उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा कल है। दूसरी बार उत्तराखंड दौरे में पहुंचे अरविंद केजरीवाल द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर खासा उत्साह बना हुआ है। बिल्कुल, घोषणा भी होगी, कई तरह के गारंटी कार्ड के लिए भी आगे के लिए भी जाएंगे और हम हर तरीके से जो अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी है, जैसे हम शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, पानी और रोजगार, इन पांच चार मुद्दों पे लड़ेंगे, वो जनता को घर घर जाके बताएंगे और बाकी घोषणा जो भी करेंगे वो कल अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। रोड शो भी कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। कल केजरीवाल जी देहरादून में, और जैसा उन्होंने अपनी ट्वीट पे बताया कि उत्तराखंड की राजनीति में एक बदलाव की जो पहल है उसके विषय में वो कल बात करेंगे। उसके पश्चात वो एक यात्रा भी निकालेंगे जो घंटाघर चौक से शुरू होगी। उसके पश्चात वो जो जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनसे भी मिलेंगे और मुझे लगता है कि जो 2022 के चुनावों की तैयारी है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम होगा ये। देखिए, जब उन्होंने सुबह खुद ही अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि इस प्रदेश को विकास की राजनीति की तरफ ले जाने की तरफ उनका एक मील का पत्थर होगा जो कल घोषणा होने वाली है, मुझे लगता है निश्चित तौर पे कल जो घोषणा होगी महत्वपूर्ण भी होगी और इस प्रदेश की जनता उसका बेसब्री से इंतजार भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल का दौरा सिर्फ देहरादून तक ही सीमित है, पहले उन्हें यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानना होगा और पहाड़ के दूरदराज इलाकों में पहुंचना चाहिए। मैच केवल घोषणा से जनता के लिए कार्य नहीं किए जाते। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सोयल का कहना है कि वह केवल कोरी घोषणा करने और जनता को गुमराह करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका जितना मन हो उतनी बात कर सकते हैं, लेकिन जनता के सामने केवल घोषणाओं से काम नहीं चलता। पहले तो केजरीवाल उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को समझे। केवल देहरादून उत्तराखंड नहीं है, वो तीन चार बार यहाँ आ चुके हैं लेकिन देहरादून से जा कर के दिल्ली पहुँच जाते हैं। उन्हें पहले ज़रा कंदराओं में जाना पड़ेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि उत्तराखंड क्या है। केवल दिल्ली मॉडल उत्तराखंड नहीं है। दिल्ली में आप अगर कोई योजना लागू करते हैं उसका लाभ मिलता है, उत्तराखंड में आपको नई योजनाएँ दिल्ली मॉडल की नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल जी के पास न खोने के लिए न पाने के लिए है, बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जा रहा है, जितना मर्जी उतना बोलते रहो। जिनकी जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी कोई बात कहेगी तो जिम्मेदारी के साथ कहेगी। अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे तो कहते चले जाएंगे, कहने में क्या जा रहा है। अभी उनका कहीं उत्तराखंड में कोई लेना एक नहीं देना दो नहीं, तो मुझे लगता है केवल कोरी कल्पना है और केवल जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास है, केवल सब्ज भाग दिखाने का जनता को। दिल्ली का हाल देखिए, दिल्ली में जो है तो तालाब बने हुए हैं आजकल बरसात के समय में, उनके मोहल्ला क्लिनिकों के देखिए क्या हाल है उनके। तो इसलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल केवल बोलने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करेंगे और वो करते रहेंगे चुनाव तक, क्योंकि उनका क्या जा रहा है।